हेलो हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम विक्रम सिंह है एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक 354 इन सिविल सर्विसेज 2019। और आज मैं आप लोगों के साथ न्यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर, ठीक है, अपनी यूपीएससी स्ट्रेटजी एज वेल एज जो भी मैंने स्टडी मटेरियल यूज़ किया वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद करंट अफेयर्स कि कौन कौन से वो मटेरियल थे जो मैंने पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स के लिए पढ़ा। Pearson India's content in civil services is known for being the world class, and now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam or Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. Friends, हमें प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको हमें होलिस्टिक रखते हुए हमें न्यूज़पेपर्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, तो आप ये पाएंगे कि 2018-19 में प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर आए वो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर बेस्ड थे। जो भी उनके अंदर पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो भी न्यूज़पेपर से ही पिक किए हुए थे, जो कि हमें अदर जो भी हमें अदर करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो हम लोग रीड करते हैं वहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए न्यूज़पेपर इज़ द की सोर्स, ठीक है। एंड अगर आप मेरे से पूछते हैं कि द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस के बीच में कौन सा बेटर रहेगा, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग हिंदू पढ़ते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंडियन एक्सप्रेस इज़ इक्वली कॉम्पिटेंट न्यूज़पेपर। एंड फॉर जीएस प्रीलिम्स मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इज़ रिलेटिवली बेटर, ठीक है। एंड नाउ डायरेक्टली कमिंग टू हाउ वी हैव टू डील विद न्यूज़पेपर एज वेल एज आवर करंट अफेयर मैगजीन। फ्रेंड्स, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली फॉर 1.5 आवर, एंड आफ्टर रीडिंग इट प्लीज़ मेक वेरी शॉर्ट नोट्स ऑफ वट यू हैव रेड इन दैट 1.5 आवर्स, एंड दिस नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी शुड ओनली लास्ट फॉर 1/2 आवर, ओके। हर रोज़ जब आप अपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाते चलेंगे तो एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स या फिर मेंस के टाइम पर आपके पास अपने खुद के होलिस्टिक नोट्स होंगे जिनको आप रेफ़र कर पाएंगे। और दूसरी सबसे पॉजिटिव बात, ठीक है, अगर हम किसी दूसरे कोचिंग मटेरियल के भी करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो व्हाट वी सी कि हमारे माइंड पर फ्लडिंग ऑफ फैक्ट्स हो जाता है। उस फ्लडिंग ऑफ फैक्ट्स से बचने के लिए इफ़ वील रीड न्यूज़पेपर डेली एंड वी मेक वेरी शॉर्ट नोट्स, तो वो हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड फ्रेंड्स, ठीक है, अगर हम 2019 वाला क्वेश्चन पेपर ही देखें तो बस एक दो वेरी शॉर्ट एग्जांपल, ठीक है, आई वांट टू साइट इस बार पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पर एक अपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि द शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ रिलेटिवली रिड्यूस्ड इन द ईयर 2018-19, बट वी हैव रेड इन द न्यूज़पेपर दैट, और ये न्यूज़ थी 5th of March 2019 की, मींस पेपर से सिर्फ 2-3 महीने पहले की। उस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में ये लिखा होता कि दिस टाइम इंडिया वुड बी प्रोड्यूसिंग हाइएस्ट शुगर केन इन ऑल द ईयर्स एंड इट विल बी ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। सो न्यूज़पेपर की इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम से वी वर एबल टू फिल्टर आउट कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रॉन्ग है, और इस तरीके से
काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे जो 2019 में आए वो ठीक हो पाए। एंड फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट मेंस पर्सपेक्टिव, हमें स्पेसिफिकली जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के लिए तो हमारे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में से कुछ मटेरियल मिल जाता है, लेकिन फॉर जीएस पेपर 4 एज वेल एज फॉर ऐसे पेपर वी हैव टू रिलाई अपॉन द न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर्स में से भी कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम्पल निकालने होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जीएस पेपर 4 की बात करें तो जीएस पेपर 4 में स्टेटिक पोर्शन के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स भी लिखने होते हैं और वो हमें न्यूज़पेपर से मिलेंगे। न्यूज़पेपर्स में से कैसे एथिक्स जीएस पेपर 4 के हमें एक एग्ज़ाम्पल निकालने। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 के अंदर ये एक न्यूज़ थी कि डीएमआरसी के वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम अच्छे से करते हैं और उनकी जो पर्टिकुलर पंक्चुअलिटी रेट रेशो है वो है 99.96%। तो इस स्मॉल सी न्यूज़ को हम जीएस पेपर 4 में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ का, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का, तो वहाँ पर इस तरह के एग्जांपल को साइट किया जा सकता है कि द वैल्यूज़ बीइंग इनकल्केटेड बाय मिस्टर ई श्रीधरन इन डीएमआरसी हैज़ बीन मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हाई पंक्चुअलिटी रेशो ऑफ 99.96% इन इट्स एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से हमें जीएस 1, 2, 3, 4 के भी न्यूज़ आइटम्स को न्यूज़पेपर्स में से ढूंढ के उनको हमें पर्टिकुलर पेपर के आंसर्स में लिखना है, ठीक है। एंड और फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू नोट्स मेकिंग जस्ट वन लास्ट टिप, वी हैव टू मेंटेन 4 डिफरेंट रजिस्टर्स फॉर आवर करंट अफेयर्स। Millions of aspirants across the country prepare for civil services every year. As many as 8 lakh students appeared for the civil services exam in 2019, which is considered the most widely taken exam in the country. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now, they have launched books on Indian culture, art, and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam or Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. 25 years ago, I had given the UPSC exam. I had gone through it and I got through but I didn't do very well in my interview, and the question related to heritage and tradition, and it has always bothered me. So I said, this is an opportunity to right the wrong, because why could I not answer the question properly is because it was not clearly explained to me. And I said, okay, let me at least as a responsible citizen of our country put together a book that will make things simple and easy. And that was the reason I did it. And really, culture and mythology have a very close relationship. Mythology is more abstract, culture is more concrete. They are like sort of two sides of the same coin. So I focused more on the abstract aspects. I enjoy it. And I realized I was not paying attention to the material aspects of the culture. And that happened around the same time. My friends who are experts in museum craft and experts in museums were telling us how they struggled to get information out to young people. So, you know, all came together, and this was a great opportunity for me to also streamline my thoughts. So I took the opportunity, and it took some time, but we did. Another book titled Indian Polity, authored by Sriram Srirangam and Rohit Deo Jha, covers important chapters on the Indian Constitution, its sources and amendments, directive principles of state policy, fundamental rights and duties, and acts related to it,
election commission and schedules. Given the fact that polity has significant weightage in the exam, it can make or break your progress. So it matters quite a bit that we are in tune with the changes. My idea, dream, desire, whatever, is to make my students feel utterly comfortable with the book. You know, lectures are there to back it up. Q&A is there. WhatsApp is there. Everything is there so that you are on track to making it. But the book should give you so much relief that you should dance and sing at the end of the day after finishing a chapter. Along with the new rich titles, Pearson India is offering an app both on Android and iOS, which will provide a blended learning experience to students and brings the learning content in an innovative bite-sized format, which will be made available to the aspirants on the daily basis. Pearson India is partnering with eminent content creators for this app and will be offering the resources free to the aspirants. The idea is digital first company in the education segment, keeping current pandemic challenges in the mind. Over the last 1 year, during the pandemic, right through, like anyone else, we were also confronted with a lot of challenges in terms of how to deliver solutions, because schools were not working, institutes were not working, students were at home, stuck, educators were not able to do face-to-face teaching, etc. So largely the online mode, but the challenge was how do you still keep the learning curve intact? So whether it is K-12, the higher ed, test preparation is what we are focused on today, and professional educations. I think Pearson took this lead of creating this entire online ecosystem, and we're happy to share that across India, we were able to connect with more than 10,000 teachers through various online training interventions, workshops, webinars, etc., which actually greatly helped the teachers to deliver the process of learning to the students. So that was a great experience and learning for us, because we also had to sort of quickly develop this capability, imbibe, and move forward. But if you look at specifically the test prep segment, I think apart from the postponement of the various cycles, etc., the real challenge was how do you create capabilities and solutions for these high-stake exams, be it NEET or IIT, JEE, UPSC, through great content and something where you can also build in assessment solutions, mock tests, and good amount of preparation resources so that the learners could take those exams being fully prepared. So this is yet another step in that direction. Very soon, both the books will be available for purchase on Amazon India. GS Paper 1 के लिए फर्स्ट रजिस्टर, 2 के लिए GS Paper 2 के लिए, GS Paper 3 के लिए और GS Paper 4 के लिए. अब क्या होगा, हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्टर फॉर GS Paper 1 शुड बी लेफ्ट फॉर स्टेटिक पोर्शन, जो कि हमारे सिलेबस में जो भी हमें टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे हमें उस फर्स्ट 50% ऑफ रजिस्टर के नोट्स बनाने. फिर उसके बाद GS Paper 1 में भी 3 डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं. पहला हो गया हिस्ट्री, फिर उसके बाद आ गया सोसाइटी, एंड द थर्ड वन इज ज्योग्राफी. तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए जब भी GS Paper 1 में भी जब हिस्ट्री की न्यूज़ आए तो उसको हिस्ट्री के सेक्शन में लिखें, जैसे ही कोई सोसाइटी की न्यूज़ आती है तो उसको सोसाइटी वाले सेक्शन में लिखें न्यूज़पेपर के, और जैसे ही कोई रिसोर्स ऑयल से रिलेटेड, शेल गैस से रिलेटेड, वाटर रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको रजिस्टर फर्स्ट के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में लिखें. इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे यह बेनिफिट होगा कि जब आप अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके पास एक होलिस्टिक नोट्स अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जिसमें से
जिसमें से आप अपने स्टैटिक पोर्शन को भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और उसी के कोरस्पोंडिंग आपको आपके करंट अफेयर्स के भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इस तरीके से आपको अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। इस तरह होलिस्टिक जब आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए नोट्स बनाएंगे तो आपके प्रीलिम्स के सभी टॉपिक अपने आप ही कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यार ये थी मेरी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी, ठीक है। और मैं आपको बस एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, मेरे को स्वामी विवेकानंद जी का कोट याद आ रहा है, इट इज़ बेटर टू बर्न ऑफ देन टू रस्ट ऑफ। मीन्स ठीक है, अपना 100% लगा दीजिए, ठीक है। और जब आप अपना 100% लगा देंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप अपना 100% लगाएंगे तो आपका प्री एज वेल एज मेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई स्ट्रेटेजी। थैंक्स।